सभी को मेरा सुप्रभात। मैं डॉक्टर शैलेन कुमार शिक्षा विद्या शाखा से। आज व्याख्यान की इस अगली कड़ी में हम लोग अध्ययन करेंगे पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो कि बीएड पाठ्यक्रम के अंतर्गत बीएड E03 नाम से ये पेपर है, और इसके अंतर्गत हम यूनिट 5 बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स व्यावहारिक उद्देश्यों का अध्ययन करेंगे। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम व्यावहारिक उद्देश्य के बारे में बात करेंगे, उसके बाद जान सकेंगे कि व्यावहारिक उद्देश्य होते क्या हैं और व्यावहारिक उद्देश्य सामान्य उद्देश्यों से किस प्रकार भिन्नता रखते हैं ये भी जान सकेंगे। इसके अलावा व्यावहारिक उद्देश्यों के अंतर्गत एक्शन वर्ब्स या कार्य सूचक क्रियाएं कौन सी होती हैं, इनके बारे में भी हम लोग विस्तार पूर्वक जान सकेंगे, तथा जो व्यवहारिक उद्देश्यों को लिखने की विभिन्न विधियां हैं, जैसे रॉबर्ट मेगर विधि है, ग्रोनलुंड विधि है या RCEM विधि है, और इन सभी विधियों के बारे में भी हम लोग जान सकेंगे और उनका अध्ययन करेंगे। लेकिन व्यवहारिक उद्देश्यों का अध्ययन करने से पहले सबसे पहले हम एक बार पुनः पिछली क्लास में, पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने क्या अध्ययन किया था इसके बारे में एक बार रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि व्यवहारिक उद्देश्यों को पढ़ने से पहले इनका रिकॉल आवश्यक है, जिससे कि आज का जो भी प्रकरण है, टॉपिक है, वो समझ में आएगा। तो पिछले टॉपिक पे हमने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत प्रमुख जो वर्गीकरण है वो है ब्लूम का। बेंजामिन एस ब्लूम ने एक शैक्षिक वर्गीकरण किया था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के नाम से वो जानी जाती है। उसमें उन्होंने, ब्लूम ने तथा उनके सहयोगियों ने, ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य के अंतर्गत कि छात्रों में या शिक्षार्थियों में जो भी परिवर्तन होते हैं उनके ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत कैसे परिवर्तन होते हैं, या जो भी शिक्षण प्रक्रिया चलती है वो किस उद्देश्य से चलती है जिससे छात्रों के ज्ञानात्मक पक्ष का विकास हो सके। इसके अलावा कृतवाल महोदय ने भावात्मक, बच्चों के भावात्मक पक्ष के विकास के लिए कुछ स्टेप्स बताए, उनको भी हम पिछली क्लास में पढ़ा। और इसके अलावा सिंपसन ने मनोचालक या क्रियात्मक पक्ष के विकास के लिए भी कुछ स्टेप्स बताए। तो ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष, बच्चों के ज्ञानात्मक पक्ष के विकास के लिए ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन, ये 6 स्टेप बताए कि सबसे पहले बच्चा ज्ञानात्मक स्तर पर, फिर बोधात्मक स्तर पर, फिर उन जो ज्ञान से अर्जित किया या जो अंडरस्टैंडिंग विकसित की, कंप्रिहेंशन विकसित किया, उसका अनुप्रयोग वो कर सकने की स्थिति में होता है, फिर किसी तथ्य का या वस्तु का विश्लेषण करता है, संश्लेषण करता है, और लास्ट में मूल्यांकन की स्थिति में पहुंचता है। इसी प्रकार भावात्मक क्षेत्र के अंतर्गत सबसे पहले रिसीविंग, आग्रहण, फिर रिस्पॉन्डिंग, जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य को ग्रहण करेगा तो फिर ग्रहण करने के पश्चात वो प्रतिक्रिया करेगा, तो द्वितीय स्टेज है रिस्पॉन्डिंग, प्रतिक्रिया, और उसके बाद फिर वो किसी भी चीज का अनुमूल्यन करेगा, वैल्यूइंग करेगा, और उसके बाद संगठन अपने दिमाग में या अपने भावनाओं में जो समस्त चीजें हैं उनको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने अंदर बैठाएगा, संप्रत्ययीकरण करेगा, संगठन करेगा, और फिर लास्ट में स्वाभाविकरण या करेक्टराइजेशन होता है, जो कि उसके आंतरिक रूप से वह किसी भी प्रक्रिया को, किसी भी तथ्य को स्वाभाविक रूप से अपना लेता है या उसके व्यवहार में वो स्वाभाविक रूप से परिलक्षित होने लगता है हर जगह। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मनोचालक क्षेत्र के उद्देश्य के अंतर्गत सिंपसन महोदय ने 5 स्थितियां बताई थी कि जब भी बालक या विद्यार्थी
कोई भी ऐसा कार्य जिसमें उसके अंग शारीरिक अंगों का प्रयोग हो या कोई भी कार्य वो सीख रहा हो, तो उसमें 5 स्टेप में वो किसी कार्य को संपन्न करता है। सबसे पहले परसेप्शन करता है, फिर उस परसेप्शन के बाद उसकी मनोस्थिति ऐसी होती है कि वो उस कार्य को करने के लिए या सीखने के लिए तैयार होता है। फिर किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता से वो कार्य को संपन्न करता है और फिर वह बगैर किसी सहायता के खुद से वो कार्य संपन्न कर ले जाता है। और एक समय ऐसी आती है जब वो उसमें मास्टरी प्राप्त कर लेता है, जटिल वाय व्यवहार प्रदर्शित करता है। पिछले व्याख्यान में हमने इन सभी स्टेप्स को उदाहरण के माध्यम से समझा था, लेकिन पिछले व्याख्यान में इसके बाद एक उपागम है शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण जो किया था RCM ने, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो कि मैसूर में है। तो RCEM रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर द्वारा ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया, जो कि ब्लूम ने 6 स्तर पर ज्ञानात्मक क्षेत्र का वर्गीकरण किया था। उन्होंने 6 स्तर को, RCM ने ब्लूम के 6 स्तर को 4 स्तर में बदल दिया। वो 4 स्तर कौन कौन से हैं पीछे देखेंगे। यहाँ पर देखिए, ब्लूम द्वारा जो वर्गीकरण किया गया था उसके ये 6 स्टेप्स हैं। उन्होंने जो RCM रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर ने ज्ञान बोध अनुप्रयोग ये 3 शुरू के स्टेप उसी प्रकार ले लिए, लेकिन विश्लेषण संश्लेषण और मूल्यांकन इन तीनों को एक माना और इसका एक नया नाम दिया सृजनात्मकता। तो सृजनात्मकता के अंतर्गत उन्होंने विश्लेषण संश्लेषण और मूल्यांकन तीनों को क्या माना, अंतर्निहित माना। तो उनके ज्ञान बोध अनुप्रयोग और सृजनात्मकता ये RCM द्वारा दिए गए 4 स्तर हैं जो कि ज्ञानात्मक क्षेत्र के हैं। ये आज हम लोगों ने क्यों डिस्कस किया, क्योंकि जब व्यवहारिक उद्देश्य पढ़ेंगे तो इनका भी वर्णन होगा, क्योंकि इन्हीं के आधार पर जो व्यवहारिक उद्देश्यों को बनाने के लिए जो एक्शन वर्ब होंगे या कार्य सूचक जो क्रियाएं होंगी वो इन्हीं पर आधारित होंगी, जिसमें ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष, क्रथवाल के भावात्मक पक्ष और सिम्पसन के क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर, प्लस RCEM द्वारा जो ज्ञानात्मक पक्ष का उद्देश्य है उन पर आधारित कुछ एक्शन वर्ब की बात करेंगे, जिससे कि व्यवहारिक उद्देश्यों का निर्माण किया जा सके। अब हम बात करते हैं कि व्यवहारिक उद्देश्य है क्या। तो पिछली क्लास में भी थोड़ा सा डिस्कस किए थे कि जब हम शिक्षण के ऐसे उद्देश्य, क्योंकि देखिए कोई भी शिक्षा प्रक्रिया हो आप लोगों के लिए, चाहे समाज द्वारा राज्य द्वारा जो भी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है उस शिक्षा के कोई ना कोई उद्देश्य हैं। तो जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उन शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति कैसे होती है, शिक्षण के द्वारा। तो शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति शिक्षण के उद्देश्यों द्वारा की जाती है। अब शिक्षण के जो उद्देश्य होते हैं उनका सीधा सीधा संबंध किससे होता है, क्लासरूम टीचिंग से। ऐसा नहीं है कि सारे शैक्षिक उद्देश्य सिर्फ शिक्षण के उद्देश्यों से ही उनकी पूर्ति होती है। बहुत से ऐसे शैक्षिक उद्देश्य हैं जो कि समाज से, परिवार से या बड़ों से, राज्य से, इनसे भी व्यक्ति या शिक्षार्थी सीखता है। लेकिन जो भी शिक्षण उद्देश्य होंगे वो कहीं ना कहीं शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। तो उन शिक्षण, जो शिक्षण उद्देश्य होते हैं उनका सीधा संबंध कक्षा शिक्षण से होता है। और कक्षा शिक्षण में जब हम उद्देश्यों को इस प्रकार से लिखें या व्यवहारिक रूप में लिखें, या हम इस प्रकार से लिखें कि वो एक कार्य सूचक के रूप में इंडिकेट करें, वो छात्रों के व्यवहार में प्रदर्शित हों या छात्रों के व्यवहार परिवर्तन के रूप में लिखें, तब ऐसे उद्देश्य क्या कहलाते हैं, व्यवहारिक उद्देश्य। यहां पर आप देखेंगे लिखा भी है कि
शिक्षण उद्देश्य ही शिक्षण प्रक्रिया के मार्गदर्शक होते हैं और यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सीखने के अनुभवों तथा शिक्षण को दिशा निर्देशन प्राप्त करने के साथ ही संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया को संरचना में आवश्यक आधार एवं मजबूती भी प्रदान करते हैं। जब शिक्षण, अब यहाँ जो सबसे ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि जब शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहार परिवर्तन के रूप में लिखा जाता है तो उन्हें व्यवहारिक उद्देश्य अथवा विशिष्ट उद्देश्य के नाम से भी जाना जाता है। अब ये व्यवहार परिवर्तन क्या है, आप लोग शुरू से ही जानते होंगे कि शिक्षा का क्या उद्देश्य है। शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्तियों या शिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन करना। यहाँ परिवर्तन और परिमार्जन एक ही शब्द नहीं है, इन दोनों शब्दों में भी अंतर है। जो पिछले के व्याख्यान है उसमें ये बात स्पष्ट भी की जा चुकी है कि जो परिवर्तन है और जो परिमार्जन है उसमें मूलभूत अंतर क्या है। तो उद्देश्यों को, जो शिक्षण उद्देश्य हैं उनको व्यवहार परिवर्तन के रूप में लिखने की आवश्यकता क्या है, अब इसकी बात कर लेते हैं कि जब हम शिक्षण को व्यवहार परिवर्तन के रूप में लिखते हैं तो उनकी आवश्यकता क्या है। आगे अगर पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ, चूंकि फेस टू फेस मोड में अगर क्लियर हो जाता है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और क्लियर नहीं होता, कुछ बच्चों को डाउट रहता है तो हम रुक कर फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ चूंकि फेस टू फेस मोड नहीं है, लेकिन जिन विद्यार्थियों को यह कंफर्म नहीं हो रहा, आगे जब वो एक्शन वर्ब्स या कार्य सूचक क्रियाएं, क्योंकि व्यवहारिक उद्देश्य किनकी सहायता से लिखे जाते हैं, कार्य सूचक क्रियाओं के माध्यम से, तो जब कार्य सूचक क्रियाएं पढ़ेंगे तो उन्हें आसानी से पता चल जाएगा कि व्यवहारिक उद्देश्य क्यों लिखे जाते हैं। अब जो शिक्षण के उद्देश्य हैं, व्यवहारिक उद्देश्य जिन्हें व्यवहार परिवर्तन के रूप में लिखा जाता है, इनकी आवश्यकता क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो कोई भी शिक्षण कार्य जब बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है, यानी शिक्षण के नियोजन के लिए भी शिक्षण के व्यवहारिक उद्देश्यों या व्यवहार परिवर्तन के रूप में लिखने की आवश्यकता होती है, शिक्षण क्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए। इसके अलावा छात्र के जो अंतिम व्यवहार हैं, टर्मिनल व्यवहार बिहेवियर, देखिए दो चीज़ें हैं, एक होता है प्रारंभिक व्यवहार एंट्रिंग बिहेवियर और दूसरा होता है अंतिम व्यवहार टर्मिनल बिहेवियर। दोनों में अंतर होता है कि जब बच्चा किसी क्लास में अध्ययन करने के लिए आता है तो शिक्षण कार्य शुरू करने से पहले उसका व्यवहार क्या है, उसे कितनी जानकारी है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, पूर्व ज्ञान क्या है, उस समय की स्थिति छात्रों का इंट्रिंग बिहेवियर होता है, प्रारंभिक व्यवहार होता है। और जब शिक्षण के उपरांत बच्चों में, क्योंकि शिक्षण कार्य जो किया जाता है किसी न किसी उद्देश्य से किया जाता है, तो जब शिक्षण कार्य कर लिया जाता है उसके बाद छात्रों में उस शिक्षण को अगर अर्जित करते हैं तो उनके अंदर जाहिर सी बात है व्यवहार में उनके परिवर्तन या परिमार्जन होगा। तो व्यवहार परिवर्तन या परिमार्जन के बाद अंतिम बिहेवियर क्या है, व्यवहार क्या है, अंतिम व्यवहार परिवर्तन कितना हुआ, अब क्या है बच्चों के अंदर, यही उनका टर्मिनल बिहेवियर होता है। इसी टर्मिनल एंट्रिंग बिहेवियर और टर्मिनल व्यवहार के आधार पर ही किसी छात्र की प्रगति को, परफॉर्मेंस को या अचीवमेंट को जांचा परखा जाता है या जाना जाता है। शिक्षण कार्य की सफलता का अनुमान लगाने के लिए, चूंकि बच्चों का जब एंट्रिंग बिहेवियर के आधार पर टर्मिनल बिहेवियर देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि शिक्षण कार्य की सफलता का अनुमान पता चलेगा। तो जो व्यवहार परिवर्तन के रूप में उद्देश्यों को लिखा जाता है, इसकी आवश्यकता एक ये भी है कि शिक्षण कार्य की सफलता का अनुमान लगाने के लिए कि शिक्षण कार्य कितना सफल होगा। इसके अलावा शिक्षण अधिगम जो सामग्री है उसके चयन के लिए, शिक्षण व्यूह रचना के चयन के लिए, इसके अलावा जो परीक्षण
चूँकि छात्रों को पढ़ाने के बाद यदि आप उनका मूल्यांकन करते हैं तो किसी न किसी परीक्षण से ही करेंगे, तो परीक्षण के निर्माण के लिए, परीक्षण में कौन से प्रश्न रखे जाएं, उनका चयन करने के लिए, विषय वस्तु का चयन करने के लिए भी व्यवहार परिवर्तन के रूप में लिखने की आवश्यकता होती है उद्देश्यों को। इसके अलावा जो शिक्षण प्रक्रिया है उस पे आत्मनिष्ठता हटाने के लिए, अब ये आत्मनिष्ठता शब्द क्या है, आपसे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोग आत्मनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता या वस्तुनिष्ठता जानते होंगे। देखिए आत्मनिष्ठता या उसी को कुछ लोग व्यक्तिनिष्ठता कहते हैं, इंग्लिश इसकी जो अंग्रेजी है वो है सब्जेक्टिविटी, और इसके अपोजिट ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठता जिसे कहते हैं, दो शब्द हैं। तो आत्मनिष्ठता क्या है, वस्तुनिष्ठता क्या है वो जान लेते हैं। जैसे अगर हम मूल्यांकन कर रहे हैं, हमें जो जानकारी है या हम अपनी जानकारी के आधार पर बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हैं कि हमें इसकी परिभाषा पता थी और इस बच्चे ने इस परिभाषा को नहीं लिखा, उसके आधार पर हम मूल्यांकन कर रहे हैं, उसको कम नंबर दे रहे हैं, जबकि हो सकता है कि बच्चे ने जो लिखा है वो सत्य हो लेकिन वो जानकारी हमें ना हो। तो शिक्षक को बच्चे ने जो लिखा है क्या वो सत्य है पूरी तरह से, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जो हमारा छोटा सा नॉलेज है उसी नॉलेज के आधार पर ही हम मूल्यांकन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम एक ब्रांड माइंडसेट के साथ कि हम जो नहीं भी जानते हैं कहीं बच्चा उसके अंतर्गत कुछ और सत्य चीज़ें तो नहीं लिखा, जब इन चीज़ों को ध्यान में देकर हम मूल्यांकन करते हैं, इसका मतलब आत्मनिष्ठा नहीं बल्कि व्यक्तिनिष्ठता है। इसके अलावा यदि हम बच्चों को उनकी कास्ट के आधार पर नंबर दें कि ये इस कास्ट का है, हमारी कास्ट का है ये, या हमारे संप्रदाय का है, या हमारे क्षेत्र के आधार पर है, तो कहीं ना कहीं जब हम जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, किसी भी आधार पर बायस्ड होकर पक्षपातपूर्ण ढंग से हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको उनका मूल्यांकन करते हैं, उनको अंक प्रदान करते हैं, या कोई भी शिक्षण गतिविधि शिक्षण प्रक्रिया संपन्न करते हैं जिसमें पक्षपातपूर्ण रवैया हम अपनाते हैं, तो वो क्या होता है, आत्मनिष्ठता होती है। लेकिन जब एक शिक्षक इन सभी से पक्षपातपूर्ण रवैये से दूर होकर कोई कार्य करता है तब वह वस्तुनिष्ठता होती है कि जो सत्य है वो सत्य है। ऐसा नहीं है कि हम जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर या अपने ज्ञान के आधार पर बच्चे का मूल्यांकन करें, बल्कि या बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को शिक्षा दें। तो जब इन सबसे परे शिक्षण कार्य होता है तब वह वस्तुनिष्ठता उस शिक्षण कार्य में होती है। तो शिक्षण प्रक्रिया से आत्मनिष्ठा हटाने के लिए और वस्तुनिष्ठता लाने के लिए भी व्यवहार परिवर्तन के रूप में शिक्षण उद्देश्यों को लिखने की आवश्यकता होती है। देखिए व्यवहारिक उद्देश्यों को जो तैयार करते हैं तब उसमें कुछ ध्यान देने वाली बातें होती हैं, जैसे सबसे पहले कार्य विश्लेषण टास्क एनालिसिस की जाती है, और कार्य विश्लेषण या टास्क एनालिसिस करने के बाद जो शिक्षण के उद्देश्य हैं, कौन से उद्देश्य होने चाहिए, क्योंकि जो कंटेंट है टास्क एनालिसिस किसकी करेंगे, जो कंटेंट है, जो प्रकरण है, पहले टास्क एनालिसिस समझ लीजिए क्या है। कोई भी विषय वस्तु हो, कोई भी प्रकरण हो, जैसे साइंस सब्जेक्ट है या सोशल साइंस सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट, मैथ सब्जेक्ट है, तो ऐसा तो नहीं है कि उसमें जो चैप्टर होते हैं वो अलग अलग साइंस है, उन सभी का नेचर तो एक है, लेकिन फिर भी हम उनको चैप्टर में, यूनिट में बांट कर पढ़ते हैं। पहले चूंकि बच्चों का स्तर क्या है, जैसे जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं
तो अगर गणित विषय है तो गणित में या गणितीय संक्रियाओं में जो सबसे सरल चीज़ें हैं उनको पहले एक जब बच्चे को पढ़ना लिखना सिखाया जाता है या संख्या ज्ञान अक्षर ज्ञान कराया जाता है तो उस संख्या ज्ञान में सबसे पहले जो सरल चीज़ें हैं वो बताई जाती हैं और फिर धीरे धीरे करके कठिन चीज़ों की ओर बढ़ा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूनिट फर्स्ट या बच्चों को जो शुरू में पढ़ाया गया है और आज जो पढ़ाया जा रहा है उस मैथ में कोई संबंध नहीं। तो टास्क एनालिसिस जो की जाती है, कोई भी प्रकरण हो, कोई भी विषय हो, कोई भी टॉपिक हो, छोटी छोटी इकाइयों में इस प्रकार बांट दिया जाता है जिससे कि बच्चों को पढ़ने में आसानी हो। लेकिन वो इकाई एक दूसरे से क्या होती हैं, कोरिलेट होती हैं। जैसे फर्स्ट यूनिट पढ़ने के बाद सेकंड यूनिट जब पढ़ता है बच्चा तो उसे पढ़ने में आसानी होती है यदि सेकंड यूनिट फर्स्ट यूनिट पर रिलेटेड हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनमें कोई क्रमबद्धता ना हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर टास्क एनालिसिस करते हैं तो उसमें विषय प्रकरण को सबसे पहले छोटी छोटी इकाइयों में बांटते हैं जिससे कि पढ़ने में आसानी हो और वह सभी इकाइयों में क्रमबद्धता होती है, एक ऑर्डर में वो सेट होती हैं जिससे बच्चों को आसानी हो या शिक्षार्थियों को आसानी हो। तो प्रकरण को सबसे जब टास्क एनालिसिस करेंगे, प्रकरण को छोटे छोटे यूनिट में बांटेंगे, ऑर्गेनाइज्ड वे में रखेंगे, उनको एक सीक्वेंस में रखेंगे, तब उस प्रकरण को पढ़ने से बच्चों में कौन से उद्देश्य विकसित किए जा सकते हैं तो उन उद्देश्यों को पहचानना होता है और फिर उन उद्देश्यों को पहचानने के बाद ही हम उद्देश्यों को लिखते हैं। तो ये व्यवहारिक उद्देश्यों को तैयार करने का क्या है, एक तरीका है। इसके अलावा व्यवहारिक उद्देश्यों को लिखने के लिए कुछ पद होते हैं, स्टेप होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है योजना बनाना। जब व्यवहारिक उद्देश्यों को लिखते हैं तो लिखने के लिए क्या है, सबसे पहले एक योजना बनाते हैं, उसके बाद मतलब प्लानिंग करते हैं उद्देश्यों को लिखने की, और उस प्लानिंग के बाद पाठ्य वस्तु को या पाठ को अथवा प्रकरण को क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है या छांटा जाता है कि कौन सा पाठ्य वस्तु हमें पढ़ाना है, कौन सी जो है जो कंटेंट है उसे हमें रखना है ना। उसके बाद फिर इस टॉपिक पर, इस प्रकरण पर क्या शिक्षण उद्देश्य होंगे वो निर्धारित होंगे, उनको लिखेंगे, और फिर उपलब्धि के आधार पर, देखिए उपलब्धि के आप लोग सुनते होंगे हिंदी एक रहती है, कहीं कहीं संप्राप्ति पढ़ते हैं, कहीं उपलब्धि पढ़ते हैं, अचीवमेंट कहीं पर देखते हैं, कहीं पर परफॉर्मेंस। तो हिंदी कभी कभी सेम लिख दी जाती है, चाहे परफॉर्मेंस शब्द हो या अचीवमेंट हो, लेकिन आप लोग ये ध्यान रखिए कि परफॉर्मेंस जो शब्द है और जो अचीवमेंट शब्द है उसमें कुछ मूल अंतर है। उस मूल अंतर को आप समझिए कि परफॉर्मेंस और अचीवमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। मैं आपसे ये अपेक्षा रखता हूँ कि परफॉर्मेंस और अचीवमेंट में मूल डिफरेंस आप समझ रहे होंगे। तो कोई भी उपलब्धि हो, चाहे वो अचीवमेंट हो चाहे परफॉर्मेंस हो, उसके आधार पर शिक्षण उद्देश्यों को पुनः लिखते हैं। जब शिक्षण उद्देश्यों को हमने लिखा और फिर किसी पाठ को हमने पढ़ाया तो देखते हैं कि अगर अचीवमेंट या परफॉर्मेंस बच्चे सही नहीं कर रहे हैं तो हम फिर से क्यों ना इन शिक्षण उद्देश्यों को ऑर्गेनाइज करें या लिखें। क्या ऐसी कमी रह गई जिसके आधार पर बच्चों में सही परफॉर्मेंस नहीं है या सही अचीवमेंट नहीं हो पा रहा है, तो हम रीऑर्गेनाइज करेंगे या पुनः लिखेंगे। उसके बाद जो व्यवहारिक उद्देश्य हैं हम उनका मूल्यांकन करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे। लेकिन ये तो स्टेप हैं, इसके पहले की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अंतर्गत हम देखेंगे कि कार्य सूचक क्रियाओं का इसमें ध्यान रखिए, लिखते समय हम ध्यान रखेंगे। लेकिन जब ये तीसरा जो स्टेप है इसका, शिक्षण उद्देश्यों को लिखना,
जब लिखेंगे तो इसको लिखते समय हमें क्या क्या चीजें ध्यान देनी होंगी? कार्य सूचक क्रिया, एक्शन वर्ब। अब एक्शन वर्ब ही मूल जो व्यवहारिक उद्देश्यों को लिखने की जो आत्मा है वो यही है, कार्य सूचक क्रिया, एक्शन वर्ब। उसके बाद एक्शन वर्ब का ध्यान देंगे, इसके बाद क्या करेंगे, कार्य निष्पादन की परिस्थिति क्या है, कंडीशन क्या है, फिर मानक अथवा कसौटी क्या है, प्लस छात्रों को भी ध्यान देंगे जब ये व्यवहारिक उद्देश्य लिखेंगे। शिक्षण के उद्देश्य जब लिखेंगे व्यवहारिक रूप में, व्यवहार परिवर्तन के रूप में, तो ये चार चीजें हमें ध्यान देनी होगी। कार्य सूचक क्रिया क्या है, एक उदाहरण के माध्यम से एक उदाहरण देखते हैं, आगे हम इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, इसलिए यहाँ सिर्फ छोटा सा उदाहरण समझिए कि जैसे अगर हम कहें जब ब्लूम की टैक्सोनॉमी आपसे बात हुई थी तब उसमें पहला स्टेप क्या था, ज्ञान। 6 स्टेप ब्लूम ने बताया, ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को ब्लूम ने 6 भागों में बांटा। पहला भाग था क्या, ज्ञान, दूसरा बोध, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण, छठवां मूल्यांकन। तो सबसे पहले ज्ञान है, अब ज्ञानात्मक उद्देश्य है, अब ज्ञानात्मक उद्देश्य को पर यदि कार्य किया जाए, एक्शन कोई किया जाए, एक्शन वर्ब मतलब उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी जो विद्यार्थी कर सकेगा। अब मान लो विद्यार्थी कहे जाए परिभाषित करना, तो परिभाषित की इस चीज को परिभाषित करो, तो परिभाषित करना ये क्या है, बच्चे को क्या करना पड़ रहा है, कार्य करना पड़ रहा है ना, उसकी परिभाषा लिखना होगा। तो परिभाषित करना क्या है, एक एक्शन वर्ब है। तो जब हम परिभाषित करना कह रहे हैं तो ज्ञानात्मक पक्ष का ही विकास हो रहा है, लेकिन हम ज्ञानात्मक पक्ष में एग्जैक्ट एक फिक्स कर दिए, एक्शन वर्ब एक आ गई, तो ज्ञानात्मक पक्ष के विकास के लिए एक उदाहरण के लिए एक ही एक्शन वर्ब की बात कर रहे हैं, क्या है, परिभाषित करना। अगर हम दूसरे लेवल पर आते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर, तो क्या होगा, जब हम अंडरस्टैंडिंग पर आते हैं तो व्याख्या करना, बच्चे से करते हैं कहते हैं कि किसी तथ्य की व्याख्या कीजिए, तो ये क्या है, जो दूसरा ऑब्जेक्टिव, दूसरा स्तर है ज्ञानात्मक पक्ष का, कंप्रिहेंशन या अवबोध, उसमें हम बच्चे को व्याख्या करने के लिए कह रहे हैं। तो जब हम व्याख्या करना, परिभाषित करना, इस तरह से चीजों को लिखते हैं उद्देश्यों में, ऐसी एक्शन वर्ब को डालते हैं, तब ऐसे उद्देश्य जो बनते हैं वही व्यवहारिक उद्देश्य कहलाते हैं। इसके अलावा कारण निष्पादन की परिस्थिति क्या है उसका भी ध्यान में रखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कार्य निष्पादन की परिस्थिति, जब इसको आप देखेंगे आप 2 लाइन में ही क्लियर हो जाएगा कि कार्य निष्पादन की परिस्थिति क्या है। देखिए बच्चों में जो भी ये एक्शन वर्ब या व्यवहार परिवर्तन के रूप में हम उद्देश्यों को लिखते हैं तो ये आशा रखते हैं कि बच्चों का वांछित स्तर क्या होगा। वांछित क्या होता है, डिजायरेबल, मतलब जो समाज, शिक्षक या राज्य अपने शिक्षार्थी से, अपने बच्चों से जो चाहता है कि वो क्या कर सकें वो करने की कोशिश करते हैं। कार्य निष्पादन की परिस्थिति की जब बात करते हैं तो वांछित निष्पादन प्राप्त करने के लिए, जो वांछित मतलब जो समाज, शिक्षक या राज्य चाहता है उस निष्पादन को प्राप्त करने के लिए जो महत्वपूर्ण कारक हैं वही क्या है, कार्य निष्पादन की स्थिति या परिस्थिति कहलाते हैं। जैसे व्याख्यान सुनने के पहले विद्यार्थी का क्या अचीवमेंट है या परफॉर्मेंस है, और व्याख्यान सुनने के बाद शिक्षार्थी का क्या अचीवमेंट है या परफॉर्मेंस है। इसी तरह बच्चों को गृह कार्य दिया जाता है, बच्चों को बहुत सी शिक्षण विधियों के माध्यम से ज्ञान दिया जाता है, या उन्हें असाइनमेंट दिया जाता है, तो उस असाइनमेंट देने से पहले की स्थिति और बाद की स्थिति, तो ये सब क्या है,
जो बच्चों में वांछित कार्य निष्पादन की क्षमता विकसित होती है उसमें असाइनमेंट, गृह कार्य, व्याख्यान, लेक्चर इन सभी का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो ये लेक्चर्स, ये असाइनमेंट, ये होमवर्क, ये सब क्या हैं? कार्य निष्पादन की परिस्थिति। इसके अलावा कोई भी मानक अथवा कसौटी की बात करते हैं, स्टैंडर्ड आर जो अथवा क्राइटेरिया हैं जो उनकी बात करते हैं, तो ये क्या है कि मानक अथवा कसौटी को वांछित उपलब्धि का स्वीकार्य स्तर समझा जा सकता है। यह स्तर मुख्य रूप से यह बताता है कि अधिगमकर्ता ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया। अब ये मानक या कसौटी क्या है? जैसे शिक्षण उद्देश्य भी मानक या कसौटी हो सकते हैं कि इन शिक्षण उद्देश्यों में अगर बच्चों ने इन शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया, इसका मतलब जो मानक तय हुए थे वो सही हैं, और अगर उनको प्राप्त नहीं कर पाए, इसका मतलब जो मानक विद्यार्थियों के लिए तय हुए थे वहाँ तक विद्यार्थी नहीं पहुँच पाए हैं, कहीं ना कहीं शिक्षण में बदलाव करने की आवश्यकता है। इसके अलावा छात्र, चौथा पॉइंट, आप जानते हैं कि छात्र की आयु, छात्र की योग्यता, छात्र की क्षमता, इन छात्र को ही ध्यान में रखकर ये ऑब्जेक्ट उद्देश्य भी बनते हैं, शिक्षण प्रक्रिया भी चलती है, तो वो छात्रों के आधार पर ही चलती है जिसमें हम छात्रों का ध्यान देते हैं, चाहे वो आयु का ध्यान हो, उनके बौद्धिक स्तर का ध्यान हो, उनकी आवश्यकता, छात्रों की आवश्यकता का ध्यान हो, छात्रों की पृष्ठभूमि का ध्यान हो, इन सभी को ध्यान में रखकर हम लोग आगे जो शिक्षण के व्यवहारिक उद्देश्य हैं उनको लिखते हैं। अब आगे की क्लास में हम लोग विभिन्न जो एक्शन वर्ब हैं उनकी बात करेंगे, क्योंकि व्यवहारिक उद्देश्य एक्शन वर्ब पर ही डिपेंड हैं। समय अभाव के कारण हम लोग एक्शन वर्ब या जो कार्य सूचक शब्द हैं उनकी चर्चा अगले व्याख्यान में करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।